थाना थानगांव इलाके में 2 मई 2019 को की दोपहर एक महिला अज्ञात बाइक की ठोकर से जख्मी हो गई। महिला अपने पति के साथ बाइक से सवार होकर दवाई लेने गई थी और दवाई लेकर जब वापस लौट रही थी उसी वक्त महमूदाबाद रोड पर थाना थानगांव इलाके में घेवला के पास में एक बाइक सवार ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे कि वो महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वीडियो कैद है उसकी, उसके बयान कैद हैं और उसको आनंद फानन में एक मानवीय चेहरा बाराबंकी के पत्रकार के द्वारा पेश किया गया, क्योंकि उसने जब इस गर्भवती महिला को तड़पते देखा और कोई सहारा नहीं था, बेसहारा था, केवल पति साथ में था, उसको तुरंत मानवता की मिसाल दिखाते हुए एक दैनिक हिंदी अखबार के समाचार के पत्रकार ने बाराबंकी के तत्काल उसको जो है यहाँ रेवसा सेची में अपनी बोलेरो से ला करके जो है भर्ती कराया। उसके बाद में जब घायल महिला से और उसके पति से बात की गई तो उसने इस बात को उन पत्रकारों को, जो दो लोग साथ में थे, एक हिंदुस्तान के पत्रकार थे और एक दैनिक के पत्रकार थे, दोनों बाराबंकी ज़िले के रहने वाले थे, वहाँ से पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने उनकी काफ़ी भूर भूर प्रशंसा की उस महिला के घायल पति ने और काफ़ी उनके लिए मन्नतें और दुआएं कबूली। ये मानवता की मिसाल और एक इंसानियत की मिसाल कायम की दो पत्रकारों भाइयों ने। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं पीड़िता के बयान। जो महिला जख्मी है, गर्भवती, पेट से थी, उसका कोई सहारा नहीं था, वो तड़प रही थी, केवल उसका पति साथ में था, वो क्या कर सकता था, बाइक संभालता कि वो पत्नी को संभालता। उस वक्त वो एक फरिश्ता बनकर पत्रकार महोदय दो लोग बोलेरो सवार साबित हुए कि उसको आनंद फार्म में रेवसा से चिल्ला करके डॉक्टर अनूप पांडे के द्वारा उसका इलाज किया गया और उसके बाद हालत खतरे से बाहर बताते हुए उसको छुट्टी दे दी गई और वो बाइक सवार घटनास्थल से मौके से भाग निकला ठोकर देने के बाद। हालांकि उसको सूत्रों के अनुसार माने तो टक्कर मारने वाले बाइक सवार का पता लगा लिया गया है और उसका पिता ने भी मानवता की मिसाल दिखाई और रेवसा सेची पहुँच कर काफ़ी उसका इलाज भी कराने की बात कही और दोनों वो आपसी एक रिश्तेदार निकले, बाइक सवार ठोकर मारने वाला और वो जख्मी महिला। किसी का कोई किसी पे आरोप नहीं है, दोनों को आपस में इलाज का समझौता हो गया, लेकिन एक लोगों में दिल की धड़कनों की जुबानी उस वक्त वो दो लोग पत्रकार बन गए जिन्होंने उस तड़पती महिला को पेट से थी और वो दवाई लेकर वापस आ रही थी जब बाइक ने जोरदार ठोकर मारी और उसको रेवसा सेची में भर्ती कराया। उस वक्त उस पत्रकारों की भूर भूर प्रशंसा और एक दिल की धड़कनों और घायल महिला और महिला के पति के दिल में एक नज़ीर बन गई। हमारे पास फोटोज़ और वीडियो हैं, कुछ आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वो पति उस पत्रकारों के लिए दुआ और मन्नतें कबूल। राम जी, काहे से सवार थे आप? मोटरसाइकिल से घर आए। कहाँ गए? बड़ा इच्छा कहाँ गए? ज्योति ग्रहण का दिखवाए गए रहे, डिलीवरी के समय। हाँ, एक डे पहले से कह रहे थे दिखवाए बनवा दी, कल तबीयत उनकी खराब रहे। हाँ, मैं वापस आ रहे मोटरसाइकिल से थे। हाँ, पीछे से आग लड़ा दी। अच्छा, आगे रहे पीछे से लड़ा। फिर इनको यहाँ पर लाए कैसे? भैया मिल गए रहे रास्ते में ही, बोलेरो वाले। अच्छा, गाड़ी वाले वो बहुत मदद करें, भगवान हो गए हमारे लिए। अच्छा, जब उनको जानते हैं आप? हम ना जाने थे। अच्छा अच्छा, उसने बहुत बड़ी मदद की, उनका सुखी रखा है, बस हम अत्ता भगवान से कृपा करें। चलो कम से कम बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, आप थान गाँव में रहते हैं? कौन है मोहल्ले? ब्राह्मण टोला, मतलब ब्राह्मण बस्ती में रहे थे, थान गाँव प्रॉपर बीच में। अच्छा, ये थाना थानगांव इलाके में घटना घटी, घेवड़ा के पास घटना, आज 2 मई 2019 की है जी। दवा लेकर वापस आ रहे थे, दवा लेकर वापस, तब किसी ने जो है पीछे से ठोकर मार दी। पीछे ठोकर मार।
जगदीश डीलर लड़का। अच्छा शंकर वो जान देता हो जो आपके अच्छे तरह। तो क्या नाम है आपके यार? किरण। पति के यार का नाम? राम जी। थान गांव रहा? कहाँ से दवाई ले कहाँ गए रहा? वहाँ से वापस आ रहे थे। अच्छा ये कहाँ पर हुआ है?